नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर के प्रदर्शन जारी है और आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास को कब्जा लिया है और राजपक्षे प्रेसिडेंट हाउस छोड़ के भाग गए हैं और साथ ही अब ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे देश छोड़ के भाग गए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पे इसकी जानकारी दी है। इससे पहले पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जिसमें असेंबली स्पीकर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तमाम सवाल हैं, माहौल एकदम वहां का बदल गया है और सोने की लंका कहा जाने वाला श्रीलंका कैसे हाल पे खड़ा है, किस बोर्ड पे खड़ा है, इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एनएस कॉलेज के प्रोफेसर नवीन गुप्ता जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, सभी अच्छा, दर्शकों का अभिनंदन अभिवादन। नवीन जी एनएस कॉलेज में प्रोफेसर है इतिहास के, लेकिन जानकारी राजनीति पे भी रखते हैं और करंट मुद्दों पे भी रखते हैं। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सोने की लंका कहा जाने वाला श्रीलंका कंगाली के इस मुकाम पे कैसे पहुंच गया? पहले तो इस सामयिक विषय पर विमर्श के लिए आपने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए मैं सभी, खास तौर से जो हमारे चैनल के दर्शक हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। सोने की लंका की बात आती है तो सबसे पहला उदाहरण मैं वहीं से शुरू करूंगा जो इतिहास में जिसका साक्ष्य है। रामायण की जब बात करते हैं हम, रामायण काल की बात करते हैं, और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सजाम्यहम्। तो संभवामी युगे युगे की जब चर्चा करते हैं तो इसका हमें बड़ा आसानी से इसका उत्तर मिल जाता है कि इस तरह की विसंगतियां कब पैदा होती हैं। वही श्रीलंका है जिसको प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसमें सुवर्ण भूमि और सुवर्ण द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो मैं शुरुआत करूंगा वाल्मीकि रामायण से। जब इतना कष्ट सहने के बाद आशुरी प्रवृत्तियों के विनाश के लिए श्री राम जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तो जब उन्होंने प्रस्थान का मन बनाया वहां पर, तो लक्ष्मण जी ने एक बड़ा विचित्र सवाल उनके समक्ष खड़ा किया जी। और लक्ष्मण जी का सवाल ये था कि भैया, जब हमने इतने दिनों तक इतने कष्ट सहे माता जानकी का पता निकालने के लिए, क्या क्या नहीं सहा, और उसके बाद हमने इस आसुरी और दानवी प्रवृत्ति का विनाश करके इस सोने की लंका को विजित किया है, तो क्यों ना हम थोड़े दिन जो है इसका सुख भोग लें, उसके बाद अयोध्या चलें जी। चाहे इसको प्रखर राष्ट्रवाद कहिएगा, चाहे भारतीय संस्कृति की विशालता कहिएगा, तो भगवान राम का बड़ा सुंदर उत्तर था तेरे दर्शकों के लिए, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैंने भी बहुत इसको कई जगह सूक्तियों में पढ़ता था, कई हमारे निबंध भी आते थे, मैं साहित्यिक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, तो उसमें जननी माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, संस्कृत और इसमें निबंध लिखने को आते थे, इसे लिखने को आते थे इसमें, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। लेकिन बाद में जब वाल्मीकि रामायण में आया
तो पता लगा कि तो भगवान श्री राम का कथन है कि भले ही लक्ष्मण ये लंका सोने की है, लेकिन माता और मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, इसलिए प्रस्थान की तैयारी करो। ये विशालता थी भारतीय संस्कृति की। उन्होंने इतना बड़ा आसुरी प्रवृत्ति का संरक्षक, उसका विनाश रावण और रावण के कुल का विनाश करने के बावजूद भी जो है उस पर कब्जा नहीं किया, बल्कि एक भारतीय संस्कृति की जो छाप थी वो वहां छोड़ी। यह है प्राचीन इतिहास रामायण काल से जब हम चलते हैं, जहां से लंका का अस्तित्व शुरू हुआ है जी। उसके बाद जब हम ऐतिहासिक पृष्ठों में आते हैं तो हमारे यहाँ एक अध्याय है ग्रेटर इंडिया, बृहत्तर भारत। और बृहत्तर भारत का शाब्दिक अर्थ यह है कि भारत से बाहर का भारत, भारत से बाहर का भारत। और ये कॉन्सेप्ट है एंशिएंट इंडिया। इसमें क्या था कि पाश्चात्य विश्व जो था उसके साथ तो संपर्क भारत के जो रहे वो सिर्फ व्यापारिक संपर्क थे, उनका मकसद सिर्फ जो है व्यापार करना था। लेकिन इसके साथ साथ जो उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जब बात करते हैं हम भारत से बाहर निकलकर, तो दक्षिण पूर्व के देशों में जो है न केवल भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ, बल्कि प्राचीन भारतीयों ने अपने वहां पर राज्य स्थापित कर लिए, राजसत्ता स्थापित कर ली। और इस प्रकार ग्रेटर इंडिया का जन्म हो गया, बृहत्तर भारत का जन्म हो गया। और इसका विभाजन हुआ दो भागों में इतिहास में जब हम जाते हैं। पहला भाग जो है उसमें है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, इसमें जो है तिब्बत और चाइना आज भी अस्तित्व में है। तिब्बत पर मेरा रिसर्च है और तिब्बत दुर्भाग्यवश चीन के क्रूर सिकंजे में है, जिसकी आजादी के लिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है। वहां के धर्म गुरु जो है दलाई लामा जी, परम पावन दलाई लामा जी यहाँ पर जो है पेरेडा ले हुए हैं धर्मशाला में, उनकी समानांतर सरकार भी चल रही है। और भारत नहीं, अनेक विश्व के अनेक देशों का जो शांति की बात करते हैं, जो मानवता की रक्षा की बात करते हैं, उसके हित की कल्याण की बात करते हैं, वो सब इस पक्षधर है कि तिब्बत को आजाद होना चाहिए। तो पहला पार्ट ये, वो दूसरा पार्ट है हिंद चीन, इंडो चाइना। इसमें जो है कंबुज, प्राचीन नाम है कंबुज और वर्तमान है कंबोडिया। इसके अलावा चंपा, प्राचीन नाम है चंपा और आधुनिक नाम है वियतनाम। बर्मा, श्याम, थाईलैंड, मलाया, मलेशिया, ये सब जो है वर्तमान नाम है और हमारे जो ग्रंथों में मिलते हैं वो मैंने प्राचीन नाम आपको गिनाए। इसके अलावा जो है एक और पूर्वी द्वीप समूह हमें ग्रुप मिलता है, जिसमें सुमात्रा है, श्रीविजय यहाँ का शासक, और जावा है, बोर्नियो है और बाली आदि द्वीप समूह। जब हम प्राचीनता की बात करते हैं तो चौथी सती ईस्वी तक, ईसा मतलब ईस्वी की चौथी शताब्दी तक, अर्थात आज से चार साल माइनस कर दें हम तो 1800 वर्ष पूर्व की बात। इसमें जो है ये सारा क्षेत्र बृहत्तर भारत कहा गया और इसमें जो है सभ्यता का आदान प्रदान सब होता रहा। इनके पुष्ट प्रमाण हैं, ये हवा में नहीं है, क्योंकि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में जब धार्मिक क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही अस्तित्व में आए, और उसमें से जो है हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। और देखते देखते जो अनेक जो देश थे हमारे पड़ोसी, चाहे चाइना हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कंबोडिया हो,
उनमें से कई ऐसे देश थे जिनमें यह राजधर्म घोषित हो गया, और इसको निरंतर जो है ये जो ग्रंथ है हमारे महावंश और दीपवंश, बहुत बुद्धिज्म के बड़े इंपॉर्टेंट, इनमें जो है जब साक्ष्य की बात करते हैं हम तो ये साहित्यिक स्रोत हैं और पुष्ट हैं, सिंगली भाषा में लिखे गए। सिंगल द्वीप जो है वो लंका को ही कहा गया है। इस तरह से इस सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार को, धार्मिक प्रचार प्रसार को निरंतर गति मिलती रही, और सबसे अधिक गति मिली अशोक के समय में। अशोक के समय में क्या हुआ कि उसके पुत्र कुणाल ने खोतान को अपना जो है, जिसे कुष्ठन भी कहा गया था, उसे अपना प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया खोतान को, और उसने जो है भारतीय संस्कृति को मध्य एशिया में व्यापक रूप से फैलाया, जिसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार श्रीलंका में हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका जो है पूर्ण रूप से बौद्ध धर्मानुयायी देश बन गया। इतना ही नहीं, श्रीलंका पे कितना ध्यान दिया अशोक ने, इसका उदाहरण मिलता है कि उसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पवित्र बोधि वृक्ष, उसकी टहनी को लेकर के जो है उस बोधि वृक्ष का वहां पर जो है रोपण करवाया, वो लगाया गया, जिसके नीचे जो है महात्मा बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से उसने जो है श्रीलंका को अपने धर्म प्रचार का महत्वपूर्ण भाग मानते हुए बौद्ध धर्म का वहां पर प्रचार प्रसार। उत्तर पश्चिम की सीमा से हिंदू कुश पार करके अनेक भारतीय बौद्ध विद्वान और प्रचारक मध्य एशिया गए, और इसमें श्रीलंका भी शामिल था इस प्रचार प्रसार में। इसमें जो है भारतीय ग्रंथ जो थे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है धम्मपद और उदान वर्ग, सारिपुत्र प्रकरण, ये जो तीन चार ग्रंथ ऐसे थे जिनका प्रचार प्रसार व्यापक रूप में वहां पर हुआ। और वेनसांग और इत्सिंग जो चीनी यात्री हैं चौथी और सातवीं शताब्दी के, वो इन विवरणों की पुष्टि करते हैं, अपने भ्रमण के विवरण में वो लिखते हैं इन सब चीजों को। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में उत्तर में एक स्थान है कूची खोतान के निकट, तो उस पर इतना प्रचार इतना जो है प्रभाव हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कि एक विद्वान था कुमारायण भारत का, और वो वहां गया तो वहां के राजा ने उसको जो है अपना गुरु बनाया कुमारायण को, और ये सब जो है सुवर्ण भूमि का अंग थे, सुवर्ण द्वीप का अंग थे जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। इस प्रकार ये सब जो है धर्म वहां पर फैलता रहा। अब बात आती है कि प्राचीन काल के बाद आधुनिक काल में क्या हुआ। भारतीय संस्कृति दर्शक ये जानना चाहेंगे गुप्ता जी कि सोने की लंका कहलाने वाला श्रीलंका कंगाली के दौर में कैसे पहुंच गया। उसके पीछे कारण ये है, इतिहास का शिक्षक होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते मैंने जो भी पढ़ा है, और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें सारे विषय समाहित हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं हम उसको, विज्ञान को भी इतिहास में पढ़ते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सब जो है वैज्ञानिक हम पढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि कंगाली के दौर में क्यों पहुंच गया। सीधा सा इसका अर्थ ये है कि जब अर्थ बाद की ओर, जब हम भौतिक बाद की ओर दौड़ते हैं और अपने सिद्धांतों उसूलों अपनी सभ्यता और संस्कृति को ताक पर रखकर, मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर
जब हम एन किन प्रकारेण सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाते हैं तो उसका परिणाम यही होता है जो श्रीलंका को भरती है। आज श्रीलंका की जो स्थिति है वो आर्थिक रूप से बिल्कुल दिवालिया हो चुका है और भारत ने जब जब आवश्यकता पड़ी, जब वहां पर लिट्टे जैसा आतंकवादी संगठन जिसने श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था और सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था तो यहां से शांति सेना भेजनी पड़ी थी, आपको याद होगा जी, जी। और उसने जाके नियंत्रण किया था। अर्थात ये पहला अवसर नहीं है कि जब श्रीलंका के वहां की स्थिति जो है आर्थिक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई उनके, इससे पहले भी कई अवसर आए हैं। लेकिन हुआ क्या कि भारत ने तो अपने पड़ोसी होने का दायित्व तो पाकिस्तान के साथ भी निभाया, अफगानिस्तान के साथ भी निभाया, सबके साथ निभाया, लेकिन भारत को बदले में क्या मिला है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे रहस्य यह है कि जिसके पास जो होता है वो बांटता है, जिसके पास शांति सौहार्द भाईचारा अपनापन ये सब है देने के लिए तो वो बांटेगा, और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी क्यों खुश है ऐसी अगर जलन है उसमें तो उसका इलाज जो है सिर्फ वहां की जनता ही कर सकती है। आज जिस बदहाली पर श्रीलंका पहुंच गया है, जिस तबाही के दौर में पहुंच गया है, एक सवाल और दिमाग में आता है, शायद आप भी इसको समझ रहे होंगे कि ये मतलब केवल आर्थिक संकट है या इसके पीछे कोई और भी वजह आप देख रहे हैं? ये आर्थिक संकट तो है लेकिन इसके पीछे जो है वो शक्तियां लगी पड़ी हैं जो भारत से श्रीलंका के रिश्ते अच्छे नहीं होना देने चाहती हैं, और उन शक्तियों का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, सब जानते हैं। आज का दर्शक, आज का ऑडियंस, आज की जनता, आज का नागरिक, वो दिन भर जो है जो जागरूक नागरिक है वो इन सारी चीजों से रूबरू होता है, उससे अच्छी तरीके से जानकारी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है क्योंकि श्रीलंका को तबाह करके जो शक्तियां भारत पर सीधा अटैक करने के लिए षड्यंत्र रच रही हैं वो श्रीलंका को तबाही के मार्ग पर धकेल रही हैं, और श्रीलंका इसको समय रहते नहीं समझ पाया, जिसका खामियाजा उसको भुगतना। अच्छा, ये जो अभी सिचुएशन बन गई है ये मतलब दुनिया के लिए आप क्या सोचते हैं, कुछ अलार्मिंग स्टेज है ये? अलार्मिंग स्टेज इसलिए है कि हमने रिसोर्सेस का, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन कर लिया है, और भारत ने तो अपना रास्ता बना लिया है। आज भारत के सामने ऐसी स्थिति नहीं है, जो विकासशील देश हैं उनके साथ हम कदम ताल करते हुए हमने कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी जो है संकट और संक्रमण का काल बड़ी जो है बखूबी बड़ी आसानी से पार कर लिया, और हमने सिर्फ अपना ही नहीं भला सोचा उसमें, हमारे पास जो भी दवाइयां थी, अन्य चीजें थी, हमने उस संक्रमण काल में भी जो है पड़ोसियों को सबको दी, जिस कुछ जरूरत पड़ी हमने तो अपने पड़ोसी का धर्म निभाया। लेकिन जिन शक्तियों ने कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा, स्थिति यह है जिसने बुरा सोचा तो उसके सामने बुराई आ रही है। भारत, और ये भी बता दें आपको, अलार्मिंग जरूर है लेकिन ये भी सच है कि इनके कुचक्र और षड्यंत्र भारत को कदापि प्रभावित नहीं कर सकेंगे जब तक कम से कम जो है नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत में है। ये भी मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं, लेकिन प्रतिभा पाटिल जी का जो स्टेटमेंट पढ़ा मैंने कल, तो उसने मेरा दिल और दिमाग दोनों ही खोल दिए कि राष्ट्रपति के पद पर रहने वाली महिला ये कह रही है कि भले ही मेरी जो है प्रतिबद्धताएं कांग्रेस के साथ में है,
लेकिन मोदी जैसी शख्सियत मैंने शायद पहले नहीं देखी। तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि भारत जो है इन सब कुचक्रों से निश्चित रूप से निपट लेगा, लड़ लेगा, सक्षम है पूरी तरीके से। और आज के समय में जो स्थिति है उसमें यह है कि जनसामान्य भी इस चीज को समझ रहा है। जो परिदृश्य बदला है तेजी से, आप देखिए कोई भी घटनाक्रम हो, उस घटनाक्रम में जो है जन सहभागिता बढ़ी है। ऐसा नहीं कि कोई घटनाक्रम हो जाए और चुपचाप वो जो है दफन हो जाए कहीं। आज जिस चीज का प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिसका अपोज होना चाहिए उसका अपोज हो रहा है, और जिसका सपोज होना चाहिए उसका सपोज। तो स्थिति ये है कि अलार्मिंग तो है, लेकिन भारत इस तरफ जो है आंख मूंदे नहीं बैठा हुआ है। हमारी विदेश नीति बिल्कुल क्लियर है और उसमें जो है किसी तरीका किसी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ, उसकी अक्षुण्णता के साथ किसी तरह की कोई समझौते की स्थिति भारत नहीं करेगा, इतना तो मैं समझ। आखिरी एक मेरा सवाल है कि अब ये जो सीन बन रहा है वहां पे, अब इससे आगे क्या? देखिए आगे की स्थिति यह है कि भारत को अपने पड़ोसी होने का दायित्व एक बार फिर निभाना पड़ेगा। मनिंदर जी निश्चित रूप से मान लीजिएगा, जो विषम परिस्थितियां हैं उनसे श्रीलंका को अगर कोई वार सकता है तो इस समय भारत के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारत भी इस पर जो है, हमारे कर्णधार, हमारे राजनीतिक विश्लेषक, हमारे राजनेता, हमारा कुशल नेतृत्व, सब इस पर जो है गंभीर चिंतन और मनन अवश्य कर रहे होंगे। जितनी चिंता का विषय हमारा है उससे ज्यादा उनकी चिंता का विषय होगा। इसी बीच में थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दूं, ऐड ऑन कर दूं इसमें कि श्रीलंका में जो हालात है उसमें वहाँ जो परिवार रह रहे हैं उनका परिवार चलाना नामुमकिन हो गया है। इससे भी एक हैरान करने वाली बात सामने ये आ रही कि वहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं है। जो भारत लोग पहुँच रहे हैं उनका ये कहना है कि उनके बच्चों को वहाँ किडनैप किया जा रहा है। तो स्थितियाँ इतनी विकराल हो गई हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैंने बताया ना आपको, मैं धनुषकोटि तक गया हूं साउथ में, सेतुबंध रामेश्वरम के बाद धनुषकोटि ही सिर्फ है, धनुषकोटि के बाद श्रीलंका लग जाता है जी छोटा सा। और श्रीलंका और भारत का संबंध जो है धनुषकोटि से जुड़ जाता है, कन्याकुमारी का जो पार्ट है वहां पर सेतुबंध रामेश्वरम का, तो उसमें जो है सेतुबंध रामेश्वरम की बात कर रहा हूँ। कन्याकुमारी और सेतुबंध रामेश्वरम का दोनों का टूर एक ही बार में मैनेज किया था, इसलिए जो है दोनों का इंटर रिलेशन हो जाता है कभी कभी। तो सेतुबंध रामेश्वरम के बाद जब मैं धनुषकोटि को देखने गया तो वहां से श्रीलंका साफ दिखाई पड़ता है। और ऐसी स्थिति में मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि जो स्थिति बनी है वहां भुखमरी की, आर्थिक तंगी की, भारत के अलावा इस समय उकसाने वाले तो बहुत से हो सकते हैं, आग लगाने वाले बहुत होते हैं जी, लेकिन बुझाने वालों की संख्या जो है सीमित होती है, गिने चुने लोग होते हैं। तो भारत आज उन्हें गिने चुने लोगों में जो आग बुझाने की स्थिति में है उसका उसकी भूमिका को फिर निभाएगा। और अगर श्रीलंका चाहेगा तो साथ में ये भी कंडीशन जुड़ी हुई है जी जी भाई, ठीक भाई, आपको अगर कोई परेशानी है जी, हम जी, आपके पड़ोसी हैं, हम आपके पड़ोसी हैं, तो आप हमारा इंटरवीन, हमारी प्रेजेंस अपने यहाँ चाहते हो नहीं चाहते हो, सवाल इस बात का है यहाँ पर। अगर श्रीलंका जैसे एलटीटी का जब चला था वहां पर और इनके बस से बाहर हो गया तो भारत की मदद मांगी गई, उसी प्रकार से और इस समय भी, वर्तमान समय भी जो है जितनी भी मदद हो सकती थी अन्न की, अन्य चीजों की, वो भारत से गई है, ऐसा नहीं कि नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर स्थिति ये बनी है। और श्रीलंका ही नहीं, अभी एक आध और पड़ोसी मुल्क हमारे जो है
वो भी गुणगाने लगे हैं इंडिया के, वहां का अवाम, वहां के अवाम की बात सुनिएगा। कल मैं देख रहा था डिबेट टीवी चैनलों की, तो अलावा मोदी मोदी को और कुछ है ही नहीं, अलावा इंडिया इंडिया के कुछ नहीं है। जी जी तो ये स्थिति जो है अभी और एक आध जगह बनने वाली है। जी जी हाँ, तो ऐसी स्थिति में हमने तो जो दायित्व तो निभाया है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, और हमारी तो जो है विश्व का कल्याण हो, हम अपना कल्याण बाद में सोचते हैं। इन्हीं सब शुभेच्छाओं के साथ मैं एक बार पुनः अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि श्रीलंका के राजनेताओं को, वहां की सरकार को सद्बुद्धि दे, और वहां की जो जनता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं वो, तो उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, यही हमारी शुभकामना है। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने बहुत विस्तार से ये वाली बात बताई कि श्रीलंका जो सोने का लंका जिसे कहते थे, वो किस वजह से आज इस स्थिति को झेल रहा है और आज देखिए वहाँ क्या से क्या हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं दर्शकों की ओर से भी आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे हम। तब तक के लिए सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः आपका आभार, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे याद किया, और थैंक यू एक अंतराल के बाद। थैंक यू।